उनसे इनिशिएटिव मिला था, उसके बाद मैं बिहार आया, उनके उनके माध्यम से मैं पटना साहिब गुरुद्वारे में जाके दर्शन कर पाया। तो वहाँ पे मेरे को जो मेन चीज़ दिखी थी गुरुद्वारे में जाके, मेरे को उतने सरदार नहीं दिखे जितने वहाँ पे बिहारी सेवा कर रहे थे। तो मेरे को वो चीज़ बहुत टची लगी, बहुत कैची लगी कि यार एक दूसरे धर्म का बंदा हमारे गुरुद्वारे में हमारी कौम के उसमें जाके सेवा कर सकता था, क्यों ना हम बिहार को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तो बस वहाँ से मैंने अपने इसको स्टार्ट किया करियर को। तो आज थर्ड ट्रैक आपके सामने। तो आज के ट्रैक के बारे में पूछना चाहूँगा, लिरिक्स राइटर और जो म्यूजिक दिए आपके साथ हैं, क्या कहना चाहूँगा, बारे में कितना प्रोत्साहन दिया और किस तरह का ट्रैक होगा ये? संतोष पुरी जी का साथ मेरे साथ हमेशा रहा है। जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला था तब से अब तक कभी भी इन्होंने मेरी किसी भी बात को नहीं टाला है, मेरे कॉल पर हमेशा रेडी रहते हैं, हर चीज़ करने को रेडी रहते हैं। तो इनका टैलेंट ही मुझे लगता है कि एक नई सोच भोजपुरी, अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में ला सकता है। लेकिन पंजाबी जो इंडस्ट्री है, पंजाबी एल्बम की बात करें, पंजाबी जो इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा मशहूर होते हैं वहाँ के सिंगर। अब गुरु रंधावा की बात लें और के, तो भोजपुरी में आने का कोई खास मकसद क्या है, कोई खास मकसद है आप? खास मकसद मेरा यही है, जैसे हनी सिंह पंजाब अपना पंजाबी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेके आया था म्यूज़िक में, तो अब जो मेरा मोटिव है वो ये है कि पंजाब भी सुधर गया म्यूजिक में, एक नेक्स्ट लेवल डोप पे चला गया, बॉलीवुड ऑटोमेटिकली टॉप लेवल पे है, तो रह गया अपना भोजपुर। भोजपुरी में क्या है कि लोग कर सुनना चाहते हैं, क्योंकि भोजपुरी मैंने देखा है 10% लोग हैं जो अपने ट्रैक भोजपुरी वाले सुनते हैं, बाकी 90% पंजाबी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी वल्गैरिटी ज़्यादा है। तो मेरा जो है, अभी सब यही बोलते हैं कि वल्गैरिटी हटानी है, ये करना है वो करना है, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है ये है कि अच्छे गाने देने हैं, लोगों को सिंगल मीनिंग ट्रैक देना है, दैट्स इट। तो इस एल्बम के बारे में चाहूँगा, कहाँ शूट होगी, काफी भव्य पैमाने पे हो रहा है ये सुनने में आया है, ये बताइए कितने एक्साइटेड हैं इस एल्बम को लेकर? इस ट्रैक को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। एक्चुअली हम दिल्ली और गुड़गांव में हमारी दो लोकेशन है जहाँ पे हमने इसको शूट करना है, तो विद इन 3 to 4 days इसका शूट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कमिंग मंथ एंड आपके सामने हमारा ट्रैक होगा। और किस मकसद के साथ आए हैं, सिर्फ आपका मकसद सिंगिंग है या कोई और भी लक्ष्य है, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सर अभी तो मेरा एक्चुअली मेन रैप है मैं रैपर हूँ। ठीक है सर, अभी इस वाले ट्रैक में मैं सिंगिंग भी कर रहा हूँ, सिंगिंग एंड रैप दोनों कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है कहानी सर, कैसे जाते हैं। हैंडसम पर्सनालिटी पे तो एक्टिंग वगैरह का भी शौक है कुछ? सर शौक तो मैंने थिएटर किया है 4 साल, मैंने गुड़गांव में ही AVR स्कूल से थिएटर किया हुआ है, तो शौक है तभी इसमें घुसे हैं सर। संतोष जी, आप कहना चाहूंगा कि काफी बड़ा नाम है आपका म्यूजिक राइटर के तौर पे, लिरिक्स राइटर के तौर पे, क्या कहना चाहेंगे, जो कामयाबी मिली है आपको, कितना एहसानमंद है भोजपुरी इंडस्ट्री को? जी मैं बहुत आभारी हूँ, भोजपुरी समाज को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आज भोजपुरी नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होता, क्योंकि मैंने लिखना हिंदी से चालू किया था, लेकिन मैं देख रहा था कि हिंदी में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। उसी समय में मैं देखा कि भोजपुरी में गाने बन रहे हैं, उस पर मैं भोजपुरी नहीं लिखता था लेकिन मेरी भाषा थी भोजपुरी, तो मैंने भोजपुरी लिखना चालू किया और भोजपुरी मैंने जो लिखा उसे दर्शक ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अहिले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, राजधानी पकड़ के आ जाइयो, बलम भोजपुरिया, बहे के पुरवा रामा, काफ़ी सारा एल्बम्स है। पवन सिंह का पहला फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम, उसका लगभग 7 गाना मैंने लिखा है, निरहुआ रिक्शा वाला, काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हमने और दर्शकों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे, और इसका मैं आभार जिंदगी भर नहीं उतार पाऊँगा। और ऐसे ही मैं अपने अच्छे अच्छे गीत और संगीत के माध्यम से आप लोगों का मनोरंजन करता रहूँगा। अब आज की बात करें तो आज रिकॉर्डिंग जो एमी किंग रिकॉर्डिंग है, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा आपका प्रोत्साहन था इनको, जी क्या कहना चाहेंगे? इनका दरअसल पंजाबी होने की वजह से उच्चारण इनका जो है थोड़ा सा मिस कर रहा था, लेकिन इनको आकार इकार ये सब बता के मैंने लाइन पे ला दिया पूरा, मतलब वो अपना भोजपुरिया टोन आ गया है, इसमें कोई कमी नहीं है। और बाकी हमारे दीपक जी हैं, रिकॉर्डिस्ट हैं, वो जरा सा इधर उधर होगा तो बाकी हम लोग मिक्स में उसको ठीक कर लेंगे, और बहुत ही अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ है। और एमी भाई ने बहुत ही एटीट्यूड के साथ, एक उसमें जो चाहिए एक जोश के साथ उन्होंने गाने को गाया है,
और उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। और ये भी कहना चाहूंगा कि जब कोई प्रोड्यूसर आता है आपके पास गाने को लेकर, तो क्या उनकी डिमांड रहती है, मसाला चाहिए, क्या चाहिए, क्या डिमांड रहती है? जी, प्रोड्यूसर लोग आते हैं, डिमांड तो रहता है, लेकिन मेरे पास ऐसे कम ही लोग प्रोड्यूसर आते हैं, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो तो पहले जानते हैं कि ये लिखेगा नहीं वैसा। तो मैं उनको दरअसल, ऐसे अगर आते भी हैं तो मैं उनको बदल देता हूँ। आ जाओ अंदर, गाओ गाओ सर, गाओ। हाँ, एक मिनट, वहाँ यहाँ थोड़ा सा हो जाए। एक मिनट मैं बताता हूँ। नहीं, उनको अपने मस्ती में गाने देना, अपने मस्ती में गाने चले। स्टार्ट। प्यार मांगे दुलार निभावे यारी, निभावे यारी, निभावे यारी। यस, एक बार आपसे कर लीजिए। क्यों हुई गाना गाइए। हाँ, गाना 1 2 3 4। उसका मुखड़ा मैं शुरू करता हूँ, मुखड़ा ये सुनाते, रैप मैं सुनाता हूँ। जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहारी, प्यार मांगे दुलार निभावे यारी, निभावे यारी, निभावे यारी। लंदन मोरिसस चाहे फिजी सुरीनाम, कहीं ना झुकैले बा बिहारी स्वाभिमान, ट्रिनिडा गोवाना बाबू देखा तू नेपाल, अपना हुनर कलाकारी से कैले बा कमाल। पूरा वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में हो, पूरा वर्ल्ड में झंडा गड़ले बाजा के भोजपुरी लाल, पूरा वर्ल्ड में झंडा गड़ले बाजा के भोजपुरी लाल। राष्ट्रपति पहला भारत के राजेंद्र प्रसाद, चाणक्य के कूटनीति और गुरु गोविंद के कैला याद, कर्पूर ठाकुर जन के नायक, सरदार सिन्हा सुर के रानी, नाच बिखारी ठाकुर के कालिदास के अद्भुत वाणी। एक बार और बोलिए, एक बार और। राष्ट्रपति पहला भारत, राष्ट्रपति पहला भारत के राजेंद्र प्रसाद, चाणक्य के कूटनीति और गुरु गोविंद के कैला याद, कर्पूर ठाकुर जन के नायक, सरदार सिन्हा सुर के रानी, नाच बिखारी ठाकुर के यहाँ कालिदास के अद्भुत बानी। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छे किया आपने। लुक लुक ओके लुक किया संतोष। आ जाओ अंदर। हाँ, गाओ गाओ सर, गाओ। हाँ, एक मिनट, वहाँ यहाँ थोड़ा सा हो जाए। एक मिनट मैं बताता हूँ। उनको अपने मस्ती में गाने देना, अपने मस्ती में गाने। चलिए स्टार्ट। प्यार मांगे दुलार निभावे यारी, निभावे यारी, निभावे यारी। यस, एक बार आपसे कर लीजिए। क्यों हुई गाना गाइए। हाँ, गाना
उससे चाहिए था नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।